आ गए हैं हम आपके सीरियल की दुनिया की खबरों को लेकर, जिसका रहता है आप सबको बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, आज हम बताएंगे कि क्या होने वाला है आपके सीरियल में। आज बात करते हैं सीरियल नागिन 2 की। सीरियल नागिन 2 में नागमणि को पाने के लिए यामिनी ने एक प्लान बनाया है। उसने मंदिर में एक पूजा रखवाई है जिससे ये पता चल जाएगा कि नागमणि कहाँ है। इस पूजा में सबसे ज्यादा जरूरी है रॉकी और शिवांगी का मौजूद रहना। दरअसल शिवांगी जब इस पूजा में बैठेगी तो पूजा के जरिए यामिनी को ये पता चल जाएगा कि नागमणि कहाँ है, और जिस बात का उसे रहता है बेसब्री से इंतजार, आखिर वो पल आ ही जाता है और उसे पता चल जाता है कि नागमणि कहाँ है। फिर वो शेषा और कपालिका को लेकर वहाँ जाती है, जहाँ उसका सामना भैंसे से हो जाता है। पर उस वक्त शिवांगी एक नया खेल खेलती है। वो यहाँ यामिनी के रूप में आ जाती है और शेषा और कपालिका से कहती है कि नागमणि केवल रुद्र ही ला सकता है और उसे भैंसे से छुड़ाने के लिए किसी काली नागिन को ही जाना पड़ेगा। फिर जब यामिनी शेषा को भेजती है भैंसे से लड़कर रुद्र को वापस लाने के लिए, तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। अब ये देखना होगा कि यामिनी नागमणि को कैसे हासिल कर पाती है और शेषा कैसे उस भैंसे का सामना करके रुद्र को छुड़ा पाती है। टीवी दुनिया की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज़। टॉप न्यूज़ से प्रिया की रिपोर्ट।